गुड मॉर्निंग तनुजी। अरे अजीत जी, गुड मॉर्निंग। ये देखिए तनुजी, कितने ढेर सारे खत आए हैं और वो भी ना जाने कहां कहां से। भारती की कहानी पर आपने जो पहला कॉलम लिखा ना, उसका जनरल रिएक्शन तो आप इन खतों की तादाद से लगा सकती हैं। और ये तो सिर्फ वो खत हैं जो मैं ला पाया, बाकी के एक बोरे में भर कर टेम्पो से आ रहे हैं। चलिए, मुझे खुशी है। हमारे एडिटर साहब भी बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि विमेंस इंडिया मैगजीन की बिक्री बढ़ी। जी जी हाँ, इसलिए हमारे एडिटर साहब ने आपके लिए ये फूल भेजे हैं। वो तो ठीक है अजीत साहब, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट से आपके मैगजीन की सिर्फ बिक्री बढ़ती है या वाकई किसी औरत को एक करियर चुनने में, कुछ करने में मदद मिलती है, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा। तो समझ जी, ये ढेर सारे खत आपके सामने पड़े हुए हैं, आप जरा इन्हें पढ़कर बताइए कि इस पर आप किस औरत से मिलना चाहेंगी। पता नहीं वो औरत इस पर किस परेशानी में होगी। अजी, क्या पढ़े जा रहे हैं इतनी देर से अखबार में? देख रहा हूँ कोई नौकरी ओकरी है क्या मेरे लायक, घर में बैठा बैठा करूं भी क्या। आज तक जितनी जगह अर्जी डाली वहाँ से जवाब भी तो नहीं आ रहा। अरे ये तो पोस्ट की सुस्ती है, वैसे भी अर्जी डाली कितनी जगह है। और मुझे क्या न दे नौकरी, हमारे दो जवान बेटे जो कमा रहे हैं, मुझे कोई जरूरत है नौकरी की? नहीं जी। अरे ये ना समझना कि मैं पैसों के लिए नौकरी कर रहा हूँ। हाँ अजी, मैंने कुछ कहा क्या? आखिर मैं भी तो दो कमाऊ बेटों की माँ हूँ, मुझे क्या चिंता है। अच्छा मैं चलूँ, बहुएं इंतजार कर रही होंगी, मैं जरा सब्जी पहुँचाऊँ। अजी जरा सुनिए तो, वो बनिए का आदमी फिर आया था। पर मैंने सुरेश से तो कह दिया था, उसने पैसे भी भिजवा दिए होंगे। फिर भी आप एक बार सुरेश से कहिएगा। हाँ हाँ हो जाएगा। और पैसे भी जरा खत्म हो गए हैं, कुछ चीजें मंगवानी थी, साबुन दंत मंजन वगैरह। अरे तो पहले कहा होता, मैं कल ही ले आता था। अच्छा मैं चलता हूँ। आंटी, 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 अरे अरे बबली, मेरी बबली, चल चल घर। अरे लक्ष्मी, रहने देना इसे यहाँ। आंटी आपको तंग करेगी। कहाँ तंग करती है, इसी के कारण तो मेरा जी लगा रहता है। हाँ मम्मी तुम जाओ। ठीक है शैतान, खाना खाने के लिए घर आ जाना। हाँ नहीं, मैं खाना आंटी के साथ खाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल मेरे साथ खाएगी। अच्छा चल। शाबाश बेटी। ये मम्मी मुझे मारती रहती है। क्यों? पता नहीं, मुझे लगता है अगर मैं लड़का होती तो मुझे नहीं मारती। वो क्यों? उनको लड़का ही चाहिए था। आ गई मैं। मैंने सुना है मम्मी पापा से कह रही थी, आंटी ये सबको लड़का ही क्यों चाहिए होता है। पता नहीं बेटे। अरे पिताजी। अरे ठीक है ठीक है बहू, ये ले, सुरेश है। हाँ आइए नाश्ता कर लो। पिताजी, पिताजी मैं आपके लिए चाय लाऊं? नहीं बेटे, मैं सुरेश से बात करके निकलूंगा, ज्योति इंतजार कर रही होगी ना। अच्छा वो कहिए पिताजी। बेटे वो बनिए का आदमी फिर आया था। अब वो पैसे मैं भिजवा दूंगा, आजकल जरा तंगी है, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं बेटे फिक्र की कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या है कि बनिए का आदमी हर दूसरे रोज। पिताजी मैं हूं ना, हिसाब हो जाएगा। ठीक है लेकिन वो। और कुछ? हाँ वो नहीं, मैं अनिल से बात कर लूंगा।
अरे पिताजी दीजिए। ये ले बेटा, ज्योति बिटिया कहाँ है? अब नहा रही है, अंदर आएंगे? नहीं बेटा, मैं चलूंगा। अच्छा। बेटा तुम्हारी माँ ने कुछ पैसे मंगवाए थे। अब पैसे? अब वो जरा एक पेमेंट अटकी हुई है पिताजी, दो एक दिन की बात है। और फिर इस महीने टिंकू की कुछ किताबें भी खरीदनी है। ठीक है बेटा, फिक्र की कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, मैं चलता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही तो 200 रुपए दिए थे। डार्लिंग, मैंने मना कर तो दिया। आपने बनिया की बात की? हाँ, वो सुरेश कह रहा था कि वो भिजवा देगा, भूल गया होगा बेचारा। और जो पैसे मैंने मंगवाए थे वो? हाँ, वो अनिल दे रहा था लेकिन मैंने ही मना कर दिया। वो क्या है कि उसकी एक पेमेंट अटकी हुई है और टिंकू की कुछ किताबें वगैरह खरीदनी थी। ठीक है, मंजन की जगह मैं कोयला ही पीस लूंगी। हाँ, काम तो चल ही जाता है ना। अच्छा, मैं एक जगह होके आता हूँ, अकाउंटेंट की जगह वहाँ खाली है। हा? मैं अभी आया। और ये देखो बबली, ये छेद है ना, यहाँ से निकाल के, समझी? फिर ये नीचे वाला छेद है, उसमें डाल के। बबली तुम करते रहो, मैं अभी आई। आपको क्या हो गया जी? माँ जी, ये कहीं से आ रहे थे, इन्हें नुक्कड़ पे चक्कर आ गया। संभाल के, संभाल के। आप उन्हें यहाँ बैठाइए, आराम से जी। संभाल के। अनिल की माँ है ना? हाँ, मैं अनिल की माँ हूँ। तो आप लोग वहाँ जाते हैं, आप अनिल को जानते हैं ना? जी हाँ। उसका घर जानते हैं? जी हाँ। तो वहाँ जाके बहू को फौरन बताइएगा। हाँ बताइएगा, सुरेश और अनिल को दफ्तर में फोन करें। और सुनिए, जरा उनको बोलिएगा साथ में डॉक्टर को भी ले आए। अच्छा जी। आप पानी पीएंगे? आराम से। आपको कुछ नहीं हुआ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, सिर्फ थकान थी। उनका चेकअप तो करना है ना? अरे माँ, ये डॉक्टर लोग तो यूं ही कह जाते हैं, खासे हट्टे कट्टे हैं पिताजी। हाँ माँ, ठीक तो है, कल तक चलने फिरने भी लगेंगे। बहू, मेरे दिल का तो तसल्ली हो जाएगी ना। पर हम कह रहे हैं ना माँ, इतने से के लिए इतनी फीस मिल खर्ची? ऐसी बात है तो मैं करवा देता हूँ, मैं जनरल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को जानता हूँ। चलो फिर तो और अच्छा है, क्यों माँ? हाँ सुरेश भैया, आप ही करवा दीजिएगा। ठीक है, तो कल हम आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा पिताजी, पूरा आराम कीजिएगा। अच्छा माँ, किसी चीज की जरूरत हो तो कहवा दीजिएगा। हाँ माँ जी, कोई फिक्र मत कीजिएगा, हम है ना। अच्छा पिताजी, हम चलते हैं। गंगा, तू क्यों परेशान होती है? बहुत बेटे हैं ना ख्याल रखने के लिए। कब तक
इसलिए आपको यही धोखा देते रहेंगे, कब तक एक दूसरे के सामने बनते रहेंगे? कोई नहीं हमारा, हम दोनों अकेले हैं। मैं जानती हूँ इस उम्र में भी आपको नौकरी की जरूरत है, मोहताज है हम उनके। हमारे पास थोड़ा पैसा होता तो क्या हमें उन बेटों का मुंह ताकना पड़ता? तनु आंटी, मैं बबलिंग हूँ। मम्मी पापा को बता रही थी कि आपको खत लिखे तो आप काम दिलाती है। मुझे भी काम की जरूरत है। मेरी पड़ोस वाली आंटी और अंकल को पैसों की जरूरत है। आंटी रो रही थी, अंकल को नौकरी भी नहीं मिलती, वो बूढ़े है ना। आप मुझे चिट्ठी लिखकर बताना मैं क्या करूं। अच्छा बंद करती हूँ, आपकी प्यारी बबली। बड़ी कमाल की बच्ची है, अब बताइए इसे क्या जवाब देंगे आप? अभी बताती हूँ, मैं इस बार इससे ही मिलना चाहूंगी। लेकिन तनुजी, इसे सलाह क्या देंगी आप? ये तो बहुत छोटी सी बच्ची लगती है। आप समझे नहीं, मैं बबली से नहीं, उसके पड़ोस वाली आंटी से मिलना चाहूंगी। ऐसा लगता है समस्या वही है। नमस्ते जी। नमस्ते। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं शाम को लेकर आऊंगा। हाँ जी, नमस्ते, आइए ना। हेलो तनु आंटी। हेलो बेटा, तो आप बबली हैं? जी आंटी, आइए ना, आइए ना, बैठिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। ये मेरे पति हैं। इनकी तबीयत जरा ठीक नहीं। ओ, कल जब आप साहब आए और आपने हमें बताया कि आप आने वाली हैं तो मुझे मालूम है, ताज्जुब हुआ होगा ना। जैसे कि इन्होंने आपको बताया, मैं इनकी मैगजीन विमेंस इंडिया में एक कॉलम लिखती हूँ, और जब मुझे बबली की चिट्ठी मिली तो मुझे ऐसे लगा मैं आपसे, मिसेस कुलकर्णी और बबली से जरूर मिलना चाहूंगी। मिस्टर कुलकर्णी, आप रिटायर्ड हैं? जी, साल डेढ़ साल से। और अब आप दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं? आपके बच्चे? जी, दोनों लड़के हैं, शादीशुदा। जाहिर है उनकी अपनी जिम्मेदारियां होंगी। एक्चुअली आजकल के जमाने में किसी को किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मिस्टर कुलकर्णी, आपको तो नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन आप मिसेस कुलकर्णी, आप कोई ना कोई काम क्यों नहीं कर लेती? जी मैं, पर मुझे तो कुछ नहीं आता, और मैं खास पढ़े लिखे भी नहीं हूँ। तो क्या हुआ मिसेस कुलकर्णी, आपको कोई तो ऐसा काम आता होगा जिसमें आपके ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत ना हो। जी मुझे तो चूल्हा चक्की के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो फिर इसी में से कोई रास्ता निकालेंगे। पर मैं तो एक औरत हूँ और मिसेस कुलकर्णी, आजकल जमाना बदल रहा है। हाँ आंटी, अब इसी बबली को देखिए ना, इतनी छोटी सी उम्र में ये काम करना चाहती है, तो फिर आप क्यों नहीं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमारी माँ भी दुशाले बनाया करती थी और वो बाजार में बिकते भी थे। लीजिए मिसेस कुलकर्णी, आप ही के घर में उदाहरण है। ठीक है, मैं काम करूंगी, चाहती तो मैं भी हूं कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तनु जी, अगर सब खाना बनाना आता हो तो क्या काम हो सकता है? सोचो, खाने की तो सबको जरूरत होती है, और कई लोग ऐसे भी तो हैं जो खाना बेच बेच कर लखपति भी बन गए। वो तो ठीक है तनु जी, पर ये लोग तो होटल वगैरह में नहीं खोल सकते ना। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो सकता जहां वो अपने घर में खाना बनाए और फिर बाहर भेजे? यू मीन जैसे दफ्तरों में डिब्बे आते हैं, या जैसे पार्टीज या नर्सिंग होम वगैरह में खाना जाता है? नर्सिंग होम? हाँ, यशी का भी एक नर्सिंग होम है। अच्छा, तो बात पक्की? कल से आप हमारे नर्सिंग होम में खाना भेजेगी, बराबर? अच्छा, मैं टेलीफोन कर देती हूँ हमारे कैशियर को, आप एडवांस लेते जाइएगा। अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद।
रही है मेरी बेटी, बाल सफेद हो गया। कैसे हैं आप? अच्छा। अरे बबले, इसकी चीटी मार रखी। जल्दी आंटी, जल्दी दो। मेरे बेटे को पैक हो गए, वो हलवा बनाया नहीं। बस वो ही बेहतर है। अंकल मैं भी आती हूँ। आओ बेटा आओ। ये क्या हो गया है माजी और पिताजी को? डिब्बों में खाना भर भर कर भेज रहे हैं। सुना है किसी नर्सिंग होम में भी इनका खाना जाता है। लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? क्या हम इतना बुरा रखते थे इन्हें? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ डार्लिंग? अच्छा मिसेस कुलकर्णी जी, जब सब लोग आपके खाने की इतनी तारीफ करते हैं और नर्सिंग होम वाले भी इतने सेटिस्फाइड हैं आपसे, तो आपका ये केटरिंग बिजनेस और भी बड़ा हो सकता है, जैसे कि शादियों में, दफ्तरों में, प्राइवेट पार्टीज में। लेकिन तनु जी, मैं तो सिर्फ दो पांच चीजें ही जानती हूँ और वही बदल बदल कर खिलाती हूँ पेशेंट्स को। पार्टीज में, दावत में और भी कुछ जानना जरूरी है ना, वो मुझे कहाँ आता है? तो फिर सीख लीजिए ना। कैसे? केटरिंग कॉलेज में। बस मैंने तय कर लिया है कि आप केटरिंग कॉलेज ज्वाइन करेंगे। वहाँ कुकरी का 26 हफ्तों का क्रैश कोर्स करेंगे। अच्छे अच्छे डिशेस बनाने को सीखेंगे, साइंटिफिकली और तरीके से। हाँ तनु जी, ये आपकी बड़ी अच्छी सलाह है। क्यों मैं? नहीं नहीं, उफ़ आंटी मान जाइए ना, बड़ा मजा आएगा। अब तो मान जाइए। बेटी, क्रैश कोर्स का कमरा कहाँ है? ओ, तो शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए आई हूँ। तो तुम भी यही कोर्स कर रही हो क्या? नहीं आंटी, मैं तो यहाँ फुल टाइम डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ, 3 साल का। अच्छा अच्छा, मगर इतनी छोटी उम्र में यह कोर्स? जी हाँ आंटी, ये कोर्स तो सिर्फ 10+2 के बाद ही किया जाता है। अच्छा अच्छा, आइए आपका कमरा यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा जो कुकरी कोर्स है ना, वो 26 हफ्तों का क्रैश कोर्स है। इसके दौरान हम आपको अलग अलग तरह का खाना, किस्म किस्म की डिशेस बनाना सिखाते हैं। सीखते हुए आप खुद भी पका सकते हैं। इस तरह आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से अच्छी तरह सीख जाते हैं। तो अब मैं आपको डेकोरेशन करना सिखाती हूँ। खाना देखने में अच्छा हो तो खाने में भी अच्छा लगता है ना। आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ अच्छा खाना पकाना ही काफी नहीं है, उसे सजाना भी बहुत जरूरी है। हाँ एक बात है, हमारे यहाँ का खाना बड़ा न्यूट्रिटिव होता है। बस डाइटिस कर रही हो ना, हर वक्त न्यूट्रिशन पर ध्यान। आंटी बहुत बोर करती है। तो तुम क्या केटरिंग में कर रही हो? नहीं आंटी, मैंने होम साइंस किया है ना, अब मैं यहाँ 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रही हूँ डाइटेटिक्स में। हाँ आंटी, और इसके बाद बड़े हॉस्पिटल में चीफ डाइटिशियन बन जाएगी। तुम लोग तुम्हारे 3 साल के डिप्लोमा के बाद क्या करोगे? अरे आंटी, आज कल तो हमारी बड़ी डिमांड है। इतने सारे नए 4-स्टार 5-स्टार होटल जो खुल रहे हैं और सभी को ट्रेन पर्सनल की जरूरत है। एयरलाइंस वाले भी कैबिन क्रू की भर्ती में केटरिंग वालों को प्रेफरेंस देते हैं। अरे साहब, अगर आप एयरलाइंस में भर्ती हुए तो या तो हवाई जहाज उड़ेगा ही नहीं, या तो बेचारे पैसेंजर्स के लिए खाना बचेगा ही नहीं। नहीं सीरियसली आंटी, आजकल ऐसी स्थिति है कि केटरिंग के ग्रेजुएट से डिप्लोमा होल्डर्स को 3-3, 4-4 नौकरियों की तो चॉइस है,
बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह की कैंटीन भी अब सिर्फ ट्रेन लोगों के हवाले की जाती है। डोंट वरी आंटी, यू विल गेट अ जॉब। अरे पागल, आंटी जॉब के लिए थोड़ी कोस कर रही है, ये तो अंकल को तरह तरह का बढ़िया खाना खिलाएंगी और तुम्हारी तरह रोटी पोली कर देंगी। नहीं बच्चों, मैंने भी ये कोर्स किसी खास वजह से किया है। मैं भी काम करती हूँ। रियली, क्या करती हैं आप? एक नर्सिंग होम में पेशेंट्स को खाना सप्लाई करती हूँ। सच? आंटी, अगले साल आप बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का शॉर्ट टर्म कोर्स करना। नहीं आंटी, आप कैनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन करना। बढ़िया बढ़िया आचार और चटनियाँ खाने को मिले। जी नहीं, पेशेंट नहीं। फिर आंटी फैक्ट्री खोलेंगी, उसके चेयरमैन होंगे कुलकर्णी अंकल और जनरल मैनेजर मैं। चलिए ठीक है, पहुंच जाएगा जी। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार जी। केक कौन सा? चॉकलेट। कितना? 2 किलो। और आपको क्या चाहिए? 2 किलो। अच्छा, 1 किलो आम की चटनी। 1 किलो आम की चटनी। एड्रेस बताइए। तनु जी, हमारे नसीब में तो बस ऑर्डर लेना ही लिखा है। पहले दफ्तर में लेते थे, अब घर में लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? तो इसमें बुराई क्या है, हम तो आपके गुलाम हैं। कुलकर्णी, आप काफी रोमांटिक हो गए हैं। हाँ क्यों ना हो, देखिए ना मिसेस कुलकर्णी कितनी यंग लगने लगी है। तनु जी, कल बच्चे भी आए थे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देख लीजिए, ये सब काम करने का नतीजा है। सचमुच तनुजी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है। अच्छा ये तो बताइए, आपने अपना काम आगे बढ़ाने के बारे में क्या सोचा है? नहीं तनुजी, हम बूढ़ा बूढ़ी के लिए बस इतना ही काफी है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? क्यों जी? अगर आप सोचे, अगर आप समझे, अगर आप चाहे।